राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है जितेंद्र कपूर के ऊपर होगी। जितेंद्र कपूर की जो है पूरी बायोग्राफी जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वास्तविक नाम जो है इनका रवि कपूर, उपनाम जो है जंपिंग जैक, और जीतू भी इनको कहा जाता है। व्यवसाय जो है अभिनेता। 5 फुट 9 इंच हाइट, वजन 72 किलोग्राम। रंग जो है गहरा भूरा। 7 अप्रैल 1942 को जो जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो अमृतसर पंजाब भारत। राष्ट्रीयता जो भारतीय है। गृह नगर जो है अमृतसर पंजाब भारत। फिलहाल जो है मुंबई में रहते थे। और स्कूल जो है सेंट सेबेस्टियन गोयन हाई स्कूल गिरगांव मुंबई से पढ़े हुए थे। महाविद्यालय सिद्धार्थ महाविद्यालय मुंबई और केसी महाविद्यालय चर्च गेट मुंबई से पढ़े हुए थे। डेब्यू फिल्म थी गीत गाया पत्रों ने 1964 में। पिता का नाम अमरनाथ कपूर, माता का नाम कृष्णा कपूर, भाई का नाम प्रसन्न कपूर। विवाद के बारे में बात करें, 7 फरवरी 2018 को उनकी चचेरी बहन ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने जो है 1971 में शिमला की वहाँ पे जो है उन पर आरोप लगाए थे। शौक जो है नृत्य करना, संगीत सुनना, मछली और डोसा इनको काफ़ी पसंद था। गर्लफ्रेंड जो है इनके में मालिनी बताई जाती थी। और शोभा कपूर जो है टीवी अभिनेत्री के साथ ये जो है विवाहित थी। बच्चे जो है एकता कपूर और बेटा जो है तुषार कपूर। कुल संपत्ति जो है 165 अरब से भी ज़्यादा। धूम्रपान नहीं करते थे, ना ही शराब पीते थे। अपने नृत्य के कारण जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। जितेंद्र सरोगीय दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना के स्कूली सहपाठी थे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने एक ही कॉलेज से जो है स्नातक की डिग्री पूरी की। जितेंद्र के माता पिता नकली गहनों का व्यापार करते थे। एक बार वह निर्देशक वी सताराम राम को जो है गहने की आपूर्ति करने गए थे। जब उन्होंने जो जितेंद्र की खूबसूरती देखी तो वे जो प्रभावित हुए और उन्होंने अभिनेत्री संध्या के साथ जो है अभिनय करने का जो है पेशकश की। वी सांताराम ने उन्हें वर्ष 1964 में गीत गाया पत्रों ने फिल्म में जो है अभिनेता के रूप में साइन किया था और उनका नाम जो है जितेंद्र रखा था। उनकी फिल्म गीत गाया पत्रों ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, जिसके चलते जितेंद्र को कोई सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद जितेंद्र ने वर्ष 1967 में फिल्म स्पाई थ्रिलर फर्ज में जो काम किया, जो उनके लिए एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। जितेंद्र ने फिल्म फर्ज के जो है एक गीत मस्त बहारों का मयासिक में काफ़ी ऊर्जावान और उत्साही नृत्य किया था, जिसके चलते उन्हें जंपिंग जैक नाम भी दिया गया था। वर्ष 1984 में फिल्म मकसद में जितेंद्र और राजेश खन्ना ने एक साथ काम किया, जिसमें जया प्रदा और श्रीदेवी अभिनेत्रियाँ थीं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बोलती नहीं थी। उन्हें एक साथ काम करने के लिए राजेश खन्ना और जितेंद्र ने जो है मनाया था। 70 के दशक में जितेंद्र और हेमा एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। हेमा ने यह अपनी आत्मकथा में भी जो है दावा किया है कि वह जितेंद्र से शादी करने वाली थी, परंतु किसी कारण से जो शादी नहीं हो पाई। अभिनेता संजीव कुमार हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए थे। उन्होंने हेमा मालिनी से प्रेम संबंध बनाने के लिए जो है जितेंद्र का सहारा लिया था, लेकिन हेमा जो है संजीव कुमार की जगह जितेंद्र से प्यार करती थी। जितेंद्र का एक बेटा और एक बेटी है। जितेंद्र कपूर की बेटी आल्ट बालाजी टेलीफिल्म्स की जो है मालकिन है। जितेंद्र सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले एक भारतीय नृत्य प्रतियोगिता झलक दिखला जा और इंडियन आइडल में जो है नज़र आए थे। झलक दिखला जा 2 के जो हैं जज भी थे। वर्ष 2014 में जितेंद्र को दादा फाल्के साहब जो है अवार्ड मिला था। जितेंद्र की जो है फिलहाल मृत्यु हो चुकी है। और जो है वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने जो है एक बहुत बड़ा जो है सितारा खो दिया है।
और इनके बारे में जो है एक बात जो हम बताना भूल गए, इनको जो सफ़ेद कपड़ों का जो काफ़ी शौक था और सफ़ेद जूतों का।